तो आइए दोस्तों, आपको टंकी एक्सचेंज करने के लिए यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए, ये GEI का सारा जो है फिटिंग लगा हुआ है और ये लगभग 20 साल पुराना है और यहाँ से हमने कटिंग किया है, दिखा रहे हैं आपको। और ये जो है यहाँ एक खुल चुका है निप्पल और बाकी नीचे जो रखा है इसको उठा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये लोहा का सब जो है पहले का काम होता था और अभी जो है UPVC का काम हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी है सारा लोहा का यहाँ लगा हुआ है। इससे पहले जो भी काम हुआ है 20 साल पहले का ये काम है। और यहाँ टंकी जो है हमको चेंज करना है और ये इनलेट पाइप है मोटर का जा रहा है और इसको देखते हैं खुलता है या नहीं। ठीक है, बाकी और सारा चीज़ आपको मैं यहाँ दिखा दूँ कि ये देखिए, ये आपका चेकनेट है टैंक निपल का, लोहे का है और ये यहाँ आसानी से नहीं खोला बल्कि यहाँ ठोक के हमने खोला है। बाकी और सारा प्रोसेस आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है टंकी फटा हुआ है और इससे यहाँ से लीकेज कर रहा था और पूरा ये छत जो है ख़राब हो रहा था यहाँ से लीकेज करके। ठीक है, ये टंकी अभी अच्छा है, थोड़ा सा ओवरफ्लो हम नीचे मार देते तो सही हो जाता, लेकिन इनका कहना था कि बदलना ज़रूरी है टंकी को। तो देखिए, यहाँ हम ठोक रहे हैं, अगर ठोकने से खुलता है तो ठीक है, नहीं तो हमें तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये खुला नहीं टैंक निपल और यहाँ हमें तोड़ के टंकी को निकालना पड़ा। बिल्कुल ख़राब हो चुका है टंकी, 20 साल टंकी का गारंटी होता है और 20 साल में जो है ये एकदम कागज़ की तरह हो गया है और टूट भी जा रहा है। तो अगला प्रोसेस, यहाँ नया टंकी यहाँ आया हुआ है और इसको हम होल किए हैं। और होल कैसे किए हैं, तो ये निप्पल है और इसको गर्म किए हैं और गर्म करके जो है टंकी के पास ले गए और ऐसे इसको हमने होल किया। ठीक है, गर्म करके पाइप को, 1 इंची का पाइप है और इसको गर्म किया है हमने और ये ऐसे हमने होल किया। देखिए, यहाँ पे ये निकल गया है। ऐसे ही पाइप का जो होल है वो हुआ है, सारा होल 4 होल हुआ है टंकी में, 2 आउटलेट है और 2 आउटलेट है, 1 ओवरफ्लो है और 1 जो है आपका इनलेट है। तो यहाँ देखिए, ये है और यहाँ पुराना वाला टैंक निपल है और ये इसी टैंक निपल पे हमको टंकी को मिला देना है। तो देखिए, ये मिल गया यहाँ पे और दूसरे वाले जो है उसको भी मैं मिला के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक बंदा जो है टंकी में अंदर ये जा रहा है, इसके बाद जो कसेगा कैसे इसका टाइट होगा ये चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं टैंक निपल को। तो देखिए, ये नया वाला टैंक निपल हमने मंगाया है और इसका जो है हमको वाशर निकाल लेना है सिर्फ, क्योंकि वो उस वाशर जो है पुराना हो चुका है और इस वाशर को हम निकालेंगे और इस चेकनेट के साथ में उसको वहाँ पे कसेंगे। तो ये भी दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे हर MST चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जूम करके कि कैसे यहाँ चेकनेट को हमने कसा है। पहले वाशर लगाया, फिर आपको चेकनेट दे रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक वीडियो में बने नहीं रहिएगा तब तक आपको आधा अधूरा काम का जानकारी मिलता रहेगा। और मेरा मकसद है कि आप लोगों को मैं काम का जानकारी दूँ। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा कस दिए, उसके बाद अब यहाँ रिंच लगा के यहाँ पे हम कसते हैं और रिंच से फुल टाइट करके फिर हम दिखाते हैं और क्या प्रोसेस है। तो यहाँ बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अब देखिए, ये दूसरा वाला जो है इसको भी हम लगाते हैं और इसका भी जो है चकनेट वाशर देके सेम प्रोसेस जिस तरह उधर किया है सेम प्रोसेस इधर भी करना है। बाकी कुछ नहीं है, वाशर लगा दिया, फिर चेकनेट को यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद कस दिया। देखिए, ये हमारा पूरा फाइनल हो चुका है और यहाँ हमने लगा दिया। ये मोटर का इनलेट भी चला गया है, नया हमने टैंक निपल मारा और ये जो है पुराना है, पुराना जो है सही था इसलिए हमने कस दिया और बाकी इधर ओवरफ्लो है। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और एक्सचेंज करने के लिए धन्यवाद।